झटपट दुकान स्टोर बनाने से आपके स्टोर को हर घर तक ले जाने तक। बिग ब्लिस, बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। ये सर रूपा जी, बात करें अगर सोयाबीन की, तो सोयाबीन का दिसंबर वाला देख रहे हैं 6300 के ऊपर ट्रेड करता नजर आ रहा है, आधे फीसदी की करेक्शन है। रूपा जी, हम देख रहे हैं कि विदेशों में भी तेल थिलन के बाजार में अब कुछ नरमी का रुझान देखने को मिल रहा है, और यहाँ भी देख रहे हैं कि घरेलू वायदा में भी और हाजिर में भी सोयाबीन में अब कुछ हल्की नरमी देखने को मिली है। आपको क्या लगता है, सोयाबीन के फंडामेंटल्स मजबूत होने के बावजूद अभी जो नरमी देखने को मिल रही है वायदा और हाजिर दोनों में, इनके कारण क्या क्या हैं, और अब आगे सोयाबीन में क्या करके चला जाए जिससे मुनाफा हो? देखिए, सोयाबीन तो अब कमोडिटी के अंदर जो हमने तेजी आते हुए देखी थी, फार्मर्स माल नहीं निकाल रहे थे, लेकिन अब अराइवल्स का प्रेशर बढ़ना शुरू हो गया, लेकिन मंडियों में माल जो है वो पहुंचना शुरू हो गया इन लेवल्स पर। अब किसान जो है वो निकालते हुए नजर आ रहे हैं, जो काफी उम्मीद लगाकर बैठे थे कि 7000 तक सोयाबीन जाएगी, लेकिन अब देखिए जब ये माल निकल जाएगा मुझे लगता है उसके बाद फिर से प्राइजेस में बूस्ट अप आ सकता है। लेकिन जो जो ट्रेडर्स हैं जो होल्ड कर सकते हैं स्टॉकिस्ट, उन्होंने अभी भी माल स्टॉक किया हुआ है और वो इन लेवल्स पर भी स्टॉक करते हुए मार्केट में नजर आ रहे हैं, और आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि सोयाबीन जो है वापस से पॉजिटिव जा सकता है। देखिए, फंडामेंटल तो सपोर्टिव है ही, और अभी जो है सेलिंग देखने को मिल रही है, एक तो एक्सपायरी है और दूसरा मंडियों में भी अब माल निकलना चालू हो गया है, इस वजह से भी हैवी सेलिंग जो है वो फार्मर्स की तरफ से देखने को मिल रही है, लेकिन ट्रेडर्स अभी भी इसके अंदर एक्टिव हैं, वो पोजीशनें बनाते हुए नजर आ रहे हैं। तो हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि सोयाबीन एक बार वापस से गिरावट के बाद उठता हुआ नजर आएगा। ये गिरावट 6000 तक हो सकती है जनवरी वायदा में, लेकिन यहां से अगर 200-250 पॉइंट गिरता है तो वापस से फिर ऊपर उठेगा और 6500 से 6800 तक जा सकता है, यानी 7000 का टारगेट भी अभी बाजार में बना हुआ है और वो लेवल्स अचीवेबल है। मुझे लगता है कि आने वाले कुछ दिनों में ये लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। जी, तो यानी कि 10000 अगर सोयाबीन का नीचे जाता है तो नीचे में 6000 तक जा सकता है, लेकिन रूपा जी के अनुसार वहां से फिर से बाउंस बैक करेगा और तेजी की ओर जाता नजर आएगा। हालांकि जो रेंज रहेगी निचले स्तरों से और ऊपरी स्तर तक हासिल करने की, जो लेवल्स रूपा जी ने बताए हैं वो थोड़ी लंबी रहेगी, लेकिन निचले स्तर से खरीदारी जरूर निकलेगी। सोयाबीन के फंडामेंटल्स मजबूती की ओर हैं। अभी हाल फिलहाल में जैसा रूपा जी ने बताया है कि मंडियों में किसानों ने अपनी सोयाबीन की बिकवाली शुरू की है, आवकें थोड़ी बड़ी हैं, जिसकी वजह से सोयाबीन की कीमतों में एक नरमी आते हुए हम देख रहे हैं। दूसरा, विदेशों में भी तिलन बाजार में हल्की फुल्की गिरावट दर्ज की जा रही है, जिसका असर भारत के तेल तिलन की कीमतों पर पड़ता नजर आ रहा है। इसकी वजह से सोयाबीन की कीमतों में अभी हाल फिलहाल में नरमी वाला रुझान देखने को मिल रहा है।